महाभारत में जुए की फट पर द्रौपदी को दांव पर लगाने वाले पांडवों की कहानी काफी आम हो चुकी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसी ही कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शहर के कोतवाली इलाके के रहने वाली एक महिला अपने मकान मालिक के साथ पति की गैर मौजूदगी में लूडो खेलती रही और जब पैसा खत्म हो गया तो खुद को ही दांव पर लगा दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ और फिर मकान मालिक के सामने खुद को हार गई। इस बात की जानकारी होने के बाद पीड़ित पति परदेश से लौटा तो दर दर की ठोकरें खाने के बाद पुलिस चौकी में कार्यवाही के लिए तहरीर दी, साथ ही अपना एक बयान सोशल मीडिया पर अपलोड किया जो कि अब वायरल हो गया है। पति का दावा है कि वह प्रतापगढ़ के देवकली में किराए के मकान में रहता था। 6 माह पहले वह रोजी रोटी के सिलसिले में राजस्थान के जयपुर चला गया था और कमाई में से पेट काट कर पत्नी को पैसे भेजता रहा। उन्हीं पैसों को महिला अपने मकान मालिक के साथ जुए में उड़ाती रही। पैसे खत्म होने के बाद उसने खुद को भी दांव पर लगा दिया और खुद को हार गई। इस बात की जानकारी जयपुर और दिल्ली में मजदूरी कर रहे पति को पत्नी ने फोन पर दी और कहा कि मैं खुद को लूडो में हार गई हूँ। पत्नी ने कहा, आकर लिखा पढ़ी कर लो, हमारे चक्कर में पड़ोगे तो काट कर फेंक दिए जाओगे। पीड़ित पति के मुताबिक वह रामपुर बिल्हा का निवासी है। उसकी शादी अमेठी जनपद में हुई थी। पत्नी से उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने बताया कि लूडो में हारने के बाद पत्नी अब मकान मालिक के साथ ही रह रही है। मैंने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है।